आप जो बता रहे हैं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और मैं विजय सर के पास आ रहा हूं। भारत सरकार के फैसले से चीनी कंपनियों को बड़ा झटका, लेकिन भारत अपनी राह पर चल रहा है। भारत सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब चीनी कंपनियों से उपकरण नहीं खरीद सकेंगे भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अब विश्वस्त कंपनियों से ही उपकरण ले सकेंगे ऑपरेटर्स। 5G नेटवर्क में चीनी कंपनियों का दखल अब होगा खत्म। यह भारत का स्टैंड क्लियर है और मैं आपको वॉल पर दिखाना चाहूंगा। यह बहुत अच्छी बात है। देखिए, भारत ने वी हैव लर्न अ लेसन, जिसको कहते हैं ना, सबक सीख लिया है। अब चीन पे पूरा यकीन नहीं करना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G इंस्टॉलेशन के उपकरण चीन से नहीं ले पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, यहां पर प्लेस चेंज करें। टेक्नोलॉजी लाइसेंस के ये नए नियम 15 जून से लागू कर दिए जाएंगे। क्या बात है, नहीं एक्सचेंज ओवर करें। वो ये पहले 4G 5G पर काम कर रही कंपनियां चीन से उपकरण मांगती थी, नहीं एक्सचेंज ओवर करें। नए नियमों के मुताबिक विश्वस्त कंपनियों से सामान लेने का प्रावधान है, नहीं एक्सचेंज ओवर करें। भारत सरकार ने 5G नेटवर्क में चीनी दखल के डर से नियम बदले हैं, ये बड़ा क्लियर है। डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं चाहूंगा वो डर शब्द को हटा दें। हमारा डर नहीं है उनसे, हम एक प्रिकॉशन ले रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा विजय सरदारा सर के पास। सर, हम अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह है, फैसला तो हमने लागू कर दिया, लेकिन क्या हम तैयारी है हमारे पास? देखिए, जब भी आप कोई एक क्लियर डिसीजन लेते हैं तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो जो भी लोग इस लाइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जो कंपनियां, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, इनको एक क्लैरिटी आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती है। आज जो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं, अब निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिन कंपनियों के पास इस टेक्नोलॉजी के IPR हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो कोशिश करेंगे भारत में इन्वेस्ट करना, लोकल पार्टनरशिप पे काम करेंगे, ज्वाइंट वेंचर्स आएंगे। तो क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारत सरकार ने ये बात बहुत क्लियर कर दी है। जैसे वैक्सीन के मामले में भी उन्होंने फाइजर को बोल दिया कि भाई हम आपको कोई शॉर्टकट और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, इसी तरह से टेलीकॉम में भी भारत सरकार ने साफ कर दिया कि हमें चाइना पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हम मेक इन इंडिया पे भरोसा करेंगे। और कोशिश ये है कि जिन लोगों को भारत में इन्वेस्ट करना है या माल बेचना है, यहाँ आए, कंपनियां लगाएं, खुद लगाएं या ज्वाइंट वेंचर करें। सर, लेकिन एक बात मुझे बताइए, क्लैरिटी थोड़ा सा रोक रहा हूं, सॉरी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस विषय में हम दुनिया में लीड कर रहे हैं? और जब हम लोगों ने कड़े फैसले लिए, तो अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट थी कि Huawei को चाइना के बाहर मेजर लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं और वो मेजर 5G इक्विपमेंट सप्लायर थे। बिल्कुल, देखिए, अल्टीमेटली जो आपका इन्वेस्टमेंट आता है कहीं पे भी, वो पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। जहां पे जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतना बड़ा मार्केट है। चाइना के बाद, और अब तो ये है कि चाइना के बराबर हमारी पॉपुलेशन हो गई, तो हम तो चाइना से बड़े मार्केट है टेक्निकली। और अगर भारत ने चाइना को बैन किया है, अमेरिका ने ऑलरेडी रूल बना दिया है कि चाइनीज से, Huawei से आप नहीं लेंगे, यूरोप ने रूल बना दिया है, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा अफ्रीका, वो आपको पैसे दे नहीं सकता, वहां पे ना आबादी है ना इनकम है। तो कुल मिला के आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो क्वाड है और साथ में यूरोपियन यूनियन आप जोड़ दें, जिसमें भारत का रोल आता है, एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जी, जो सिक्योरिटी आधारित है। सिक्योरिटी में दोनों टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटीज, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस सिक्योरिटी, ये सारी चीजें मिलके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत नई चीजें होने वाली। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।